हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर का सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 10 इंग्लिश पर। और स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना पाया हूँ, कुछ बिज़ी था। तो आज मैं CBSE बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश जो आपकी फर्स्ट लाइट बुक है उसका पहला चैप्टर लेटर टू गॉड, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाई लाइन, ठीक है। और आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लेटर टू गॉड, ये लिखा हुआ है GL फंटस ने, और इसमें किसान की बात होती है जिसका नाम होता है लंचो। बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर होता है जो अपने खेतों में बहुत एक जानवर की तरह काम करता है, ठीक है। और उसका भगवान में जो ऊपर वाला होता है गॉड, उसमें बहुत विश्वास होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है उसके साथ में। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर था जो पूरी वैली में एक था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो लो हिल के क्रेस्ट पर था, ठीक। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। तो इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति उन नदियों को देख सकता था, नदी को देख सकता था, और पके हुए जो अनाज के खेत थे जिसमें फूल लगे हुए थे उसको देख सकता था, और उसको देख करके ऐसा लगता था कि यहाँ पर एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शोवर, केवल एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी अर्थ को, मतलब शॉवर की, और या डाउनपुर जिसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। तो मतलब अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो जाए, या केवल एक शॉवर यानी कि हल्की सी बौछारी हो जाए। क्रेस्ट की आप मीनिंग देख रहे हो, लिखा हुआ है टॉप ऑफ अ हिल। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, पूरी सुबह लंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, had done nothing else but see the sky toward the northeast. उसने कुछ नहीं किया, बस वो कर क्या रहा था, जो नॉर्थ ईस्ट में जो आपके स्काई था उसको देख रहा था, इस आशा में कि शायद बरसात हो जाए, बादल आ जाए, ठीक, ओके। Now we are really going to get some water, woman. तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हो सकता है शायद कुछ बारिश हो जाए। The woman who was preparing supper replied, उसकी जो पत्नी थी वो शाम का खाना तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, Yes, God willing. उसने कहा कि हो सकता है भगवान की इच्छा से पानी भर जाए। The older boys were working in the field, जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, while smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जबकि जो छोटे वाले थे वो घर के पास में खेल रहे थे, तब और उसी दौरान क्या हुआ, जब खाना बन गया तो उसकी जो पत्नी थी उन्होंने सभी को आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर, और डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड, जब वो खाना खा रहे थे तो जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेंस ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और क्या था, नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पहाड़ उन बादलों के उमड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी बहुत फ्रेश थी और स्वीट थी, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो जो लंचो था वो बाहर निकला और बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, बस वो जो बारिश हो रही थी उसको अपने शरीर पर एंजॉय करना चाहता था, उसका मज़ा लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो लौटा तो उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने बोला कि जो ये आकाश से रेन ड्रॉप गिर रही है ये रेन ड्रॉप नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये न्यू क्वाइंस हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower trapped in a curtain of rain. तो उसने एक संतुष्टि भरे भाव से अपने जो पके हुए अनाज के खेत थे उनकी तरफ देखा, जिसमें फूल लगे हुए थे, फूलों से युक्त थे, और जो बारिश की चादर में ढक गए थे। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक क्या हुआ, एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी, along with the rain, very large hailstone began to fall. और क्या हुआ, बारिश के साथ में बड़े बड़े ओले गिरने लगे, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो ये ओले थे बिल्कुल चांदी के नए सिक्के की तरह लग रहे थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, तो उसके जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उस बारिश का आनंद ले रहे थे और वो उन
फ्रजन पॉल्स यानी कि जो जमे हुए मोती थे यानी कि जो हेलस्टोन्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। तो स्लेंचो ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा, आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं थमा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, करीबन एक घंटे तक जो ओले थे उसके घर पर बरसते रहे, द गार्डन पर बरसते रहे, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड एंड ऑन द होल वैली, लगभग पूरी घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, तो उसका जो खेत था बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, मानो साल्ट से ढक गया। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं रह गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो प्लांट्स में से चले गए थे। लंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, तो अपने खेतों के बीच में आया और उसने अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने बोला कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का जो झुंड होता है वो इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस ओलों की बारिश ने तो कुछ नहीं छोड़ा। उसका कहने का मतलब था कि इससे मतलब जो ओले बरसे उन्होंने इतनी बर्बादी करी है कि इतनी बर्बादी तो टिड्डियों को झुंड भी नहीं करता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो लगता है इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो रात जो थी बहुत दुख भरी रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, तो वो सोचने लगा पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हो सकता है कि साल हम भूखे रह जाएं। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस इकलौते घर में रहते थे उस पूरी घाटी के मध्य में, देयर वॉज अ सिंगल होप, तो उन सभी के दिलों में एक सिंगल एक आशा बसी हुई थी, हेल्प ऑफ गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो जो भी उसके परिवार के व्यक्ति थे, उसकी पत्नी थी वो था, उसके बच्चे थे, तो उसमें से ये बात कोई बोलता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि ऐसा लगता है कि पूरी टोटल लॉस हो गया है, और याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है, तो जो वो कहते हैं कि कोई भी हंगर से भूख से नहीं मरता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे के ये जो पार्ट है उसमें मैं अगली बार बात करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका जो अगला पार्ट है पूरा लेसन कवर करूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद।